अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शीट मास्क का रिव्यू, और ये जो ब्रांड है बायो एक्वा, इसके शीट मास्क मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ कि शीट मास्क किस तरह से यूज़ होता है, एंड दूसरे भी बहुत सारे ब्रांड्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो ये वाले जो शीट मास्क हैं, इनका मैं आप लोगों के साथ एक तो इसलिए भी रिव्यू शेयर कर रही हूँ, एक तो ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली है, और उसके अलावा एक शीट मास्क एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है, एंड आई थिंक ये हमें वीक में एक दो तीन दफ़ा तो लाजमी ही यूज़ करने चाहिए। इनके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, ठीक है। जैसा कि अब ईद आने वाली है एंड गर्मी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो उस हिसाब से मैं सबको सजेस्ट करूंगी कि अपने फ्रिज में आप लोग इस तरह के शीट मास्क लेके रख लें, एंड इनको एक दिन छोड़ के एक दिन लाजमी यूज़ करें, ताकि आपकी स्किन जो है वो डिहाइड्रेट ना हो, आपकी स्किन ख़राब ना हो। और जिनकी ड्राई स्किन है उनको तो मैं रिकमेंड करूंगी वो लाजमी शीट मास्क को यूज़ किया करें। यह जो है डीप हाइड्रेट कर देता है हमारी स्किन को, जिससे हमारी स्किन में अच्छी खासी इलास्टिसिटी आ जाती है, और हमारे रिंकल्स वगैरह इनसे काफ़ी हद तक बचत हो जाती है, ठीक है। ये जो है बायो एक्वा ब्रांड के हैं मेरे पास, और मैंने इनको द्रास से ऑर्डर किया था। इनकी कीमत मुझे अब कंफर्म याद नहीं है, क्योंकि मैंने इनको काफ़ी पहले ऑर्डर किया था, और इनकी आई थिंक 600 समथिंग थी, एंड इस 600 में जो है मुझे मिले थे तकरीबन 10 शीट मास्क, जिनमें से एक ये देखें, ये मैं ये वाला यूज़ कर चुकी हूँ। ये मेरे पास ये मैंने रखा हुआ था ताकि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर करूं, और मैंने जो है बाकी के जो 5 थे वो अपनी सिस्टर को मैंने दे दिए थे। मैंने अपने पास ये 5 रखे थे, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकते हैं एक विटामिन सी का है, ठीक है। उसके बाद ये डीप हाइड्रेशन ये वाला हो गया, एक ये नाइसिनामाइड का है, और उसके बाद ये है ब्लूबेरी, ठीक है। ये इसके ऊपर चाइनीज़ लिखी हुई है, लेकिन इनको यूज़ करने का तरीका यहाँ पे इस तरह से पिक्चर्स में भी दिया हुआ है, जो कि यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। अच्छा, इन मास्क का जो है आप लोग यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं, यहाँ पे जो है इनकी दी हुई होती है हमें एक्सपायरी डेट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 इस पे यहाँ पे मेंशन की हुई है, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्सपायरी डेट दी हुई है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से ये डेट पढ़ के फिर ही इसको यूज़ करना है। अब मैं आप लोगों को इसको ओपन करके भी दिखा देती हूँ, एंड आप लोगों के साथ एक अमेजिंग सा हैक भी शेयर कर देती हूँ। जो है इस टाइम इनको यूज़ करने लगी थी, तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं। पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये चीज़ है। ये आप लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करें, बहुत ही आप लोग फ़ायदा होगा, इस बात पे नुकसान नहीं होगा। मैं जो है विटामिन सी वाला आज यूज़ करने लगी हूँ, इसको मैं अब ओपन करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से हम लोग इस तरह से इसकी सील ओपन कर लेंगे, एंड अंदर जो है हमें यहाँ इस तरह से ये शीट मास्क दिया हुआ है। ये जो शीट मास्क है ये एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, इसको अगेन हम रीयूज़ नहीं कर सकते, लेकिन मैं इसको रीयूज़ करने का आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा हैक अभी आगे बताऊंगी, ठीक है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ, तो ये देखिए इस तरह से जब हम निकालते हैं तो ये फुल सीरम से भरा हुआ होता है, एंड आप लोग देख सकते हैं सीरम इस तरह से टपक के गिर भी रहा है। इसके ऊपर एक पतली सी प्लास्टिक की फिल्म दी हुई होती है, जिसको रिमूव करना होता है, एंड जो टिश्यू वाली साइड होती है उसको हमें अपने फेस पे अप्लाई करना होता है। ऑलरेडी मैं बहुत सारी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ ये शेयर कर चुकी हूँ। हम लोग अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे, एंड ये जो प्लास्टिक का ये साथ दिया होता है ये जो है इसको फेंकना होता है। अब जो है मैं आप लोगों के साथ हैक शेयर कर देती हूँ, ठीक है। ये मैंने फेस पे अप्लाई कर लिया, बहुत ही रिफ्रेशिंग टाइप सी फीलिंग आ रही है। ओके, अब मैं आप लोगों के साथ हैक शेयर करती हूँ। ओके, तो गाइस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इसके अंदर सीरम की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप लोग चाहें तो ये सीरम अपने हाथों पैरों नेक वगैरह पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी सीरम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप इसको नेक्स्ट टाइम के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि इस तरह के जो शीट मास्क आते हैं टैबलेट में आते हैं, ये आप लोग खरीद लें। ये मिनीसो से भी मिल जाते हैं, और उसके अलावा दराज पर भी हैं। अगर आप लोग वहाँ पर लिखेंगे ना कंप्रेस्ड शीट मास्क, तो इस तरह की जो है टैबलेट वाला ये आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा रीजनेबल होती है। मैंने आई थिंक 500 का ये पूरा पैक लिया था, एंड उसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में थे, 800 से भी ज़्यादा थे उसके अंदर शीट मास्क, एंड ये मैंने बहुत पहले ख़रीदा था। तो इसका ये होता है कि इसके ऊपर कोई भी हमें प्रोडक्ट नहीं दिया होता, ये खाली टिश्यू होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस टैबलेट को हम लोग डाल देंगे, इसको ओपन करके हम लोग इसके अंदर डाल देंगे जो सीरम बचा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर डाल के हम लोग ऊपर से इसको पिनअप करके रख देंगे, नेक्स्ट टाइम के भी लिए भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी इसके अंदर आप लोगों को डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें, ये इस टाइप की जो है टैबलेट ये बीच में दी हुई होती है, ठीक है। ये जो कंप्रेस्ड टिश्यू होता है इसको अब हम लोग डाल देंगे इसके अंदर।
ये देखें, ये जो है अब टिश्यू हमारा फूलना शुरू हो गया, क्योंकि सारा सीरम जो है वो टिश्यू ने अच्छी तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है। अगर आप लोग इसको रख देंगे एंड नेक्स्ट डे यूज़ करेंगे तो आप लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसको इस तरह से हम लोग ऊपर से क्या करेंगे, पिनअप करके रख देंगे, जो हेयर पिन होती है उसकी हेल्प से इस तरह से हम लोग फोल्ड करेंगे एंड इसको पिनअप करके रख देंगे ताकि हमारा सीरम जो है वो ड्राई ना हो। ये देखें अब जो है ये इस तरह से फूल गया, ये मैंने बीच में से निकाल लिया आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए। अब मैं जैसे ये देखो इसको प्रेस करूंगी ना, बीच में से हमें जो है ये सीरम ये नज़र आएगा। ये देखें ये सीरम आ गया, ठीक है। अब ये सीरम से बिल्कुल भरा हुआ है एंड हम लोग इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं एंड एक टाइम में इस तरह से दो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये जो आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी एंड ये जो मैंने हैक आप लोगों के साथ शेयर किया ये भी आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू करूँ तो आप लोग कमेंट बार में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह मैं लाजमी आप लोगों के साथ वो रिव्यू शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।